स्वागत है। रामपुर में जिले की सुरक्षा कानून और ट्रैफिक व्यवस्था की निरीक्षण करने के लिए पुलिस अधीक्षक विपिन टांडा ने बाइक से घूमकर शहर का निरीक्षण किया। एसपी ने पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर शहर के गांधी समाधि, जामा मस्जिद, सराफा बाजार, मिशनगंज के कई क्षेत्रों में निरीक्षण किया और लोगों से जनसंपर्क कर कानून व्यवस्था के बारे में पूछताछ की। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि रमजान माह चल रहा है और शहर की सुरक्षा और ट्रैफिक तथा कानून व्यवस्था को जायजा लेने के लिए पुलिस कर्मियों के साथ राउंड किया जा रहा है। कई जगहों पर ट्रैफिक नियमों की कमियां भी पाई गई, जहां 4 बाइक विदाउट नंबर की मिली गई जिन्हें सीज कर दिया गया तथा सराफों की दुकानदारों से मिला गया और सराफियों की दुकानों पर सीसीटीवी कैमरा लगवाए जाने का आश्वासन। रामपुर से हमारे संवाददाता मुजासिम खान की खास रिपोर्ट। जुम्मे के जो रमजान चल रहा है उसको देखते हुए जो सराफा मार्केट है, चाकू मार्केट है, मुख्य मार्केट में उनकी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए हमने किया है। यहाँ पर कुछ लोग पुलिसकर्मी एक दो ड्यूटी में नजारत मिले हैं, जानकारी करने पर पता चला उनकी ड्यूटी अन्यत्र लग रही है। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि कई लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, कई लोगों को चेतावनी दी है। इसके साथ 4 बाइक भी हमने सीज की है जो कि बिना नंबर के थी और इससे आगे हम उम्मीद करते हैं कि इससे पुलिसकर्मियों और पब्लिक के लोगों में भी चेतना होगी ट्रैफिक नियमों के प्रति, सुरक्षा के प्रति। और यहाँ सराफा मार्केट के जो हमारे व्यापारी हैं उनसे भी बातचीत की गई है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि एक सप्ताह के भीतर वो भी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सीसीटीवी कैमरा लगवाएंगे जिसमें कि पुलिस सहयोग करेगी। क्या क्राइम को लिए भी कोई क्राइम के लिए भी कुछ है? इसमें क्राइम को लेकर हमने यहाँ पर पिकेट लगाई हुई है थाना पुलिस से, उसको चेक किया गया है। उसमें 2 होमगार्ड अभी गैरहाजिर मिले हैं, उनकी गैरहाजिरी लगाई गई है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही हमने सराफा व्यापारियों से भी बातचीत की है और बातचीत में उन्होंने आश्वस्त किया है कि वो भी हमारे सहयोग हेतु यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगवाएंगे और मुझे उम्मीद है कि एक सप्ताह के भीतर ये कार्रवाई पुलिस के सहयोग से पूर्ण हो जाएगी ताकि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा सके।